ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक मेजर पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। तो अभी तक हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लो कूलम्स लॉ से या गॉस लॉ से कैसे निकालते हैं। अब हम बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। सो दिस इज एक्चुअली स्लाइटली डिफिकल्ट, इसमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत मैथमेटिकल होता है ये पार्ट। और दूसरी चीज ये होती है कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, इन दोनों चीज में क्या डिफरेंस होता है, ये लोगों को बड़ा मुश्किल से समझ में आता है। जनरली लोग सोचते हैं कि दोनों सेम ही है, बट दे आर रिलेटेड बट डिफरेंट। तो लेट्स सी कि आगे हमारे लिए क्या रखा हुआ है यहाँ पे। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका जो वर्क होता है उसके बारे में क्या खास बातें हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो पहले हम थोड़ा वर्क की बात करें। वर्क के बारे में आपने मैकेनिक्स में बहुत पढ़ा ही होगा। तो वर्क को निकालने का तरीका होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट पढ़ लेते हैं, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एफ एस इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वर्क डन का, दिस अप्लीकेबल ओनली फॉर कॉन्स्टेंट फोर्स। अगर फोर्स कॉन्स्टेंट ना हो तो फिर वर्क निकालने के हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो देन वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फोर्स वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। फोर्स इज वेरिएबल, फोर्स वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन, और कॉन्स्टेंट हो तो विदाउट इंटीग्रेशन ही वर्क आ सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, तो ये सिचुएशन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पे ये चार फोर्सेस लग रहे हैं येलो कलर के, और ये जो ब्लॉक है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फोर्सेस वो 2 मीटर से आगे चला गया। तो इन सारे फोर्सेस का वर्क डन क्या होगा? तो इट्स अ सिंपल थिंग, वर्क डन बाई F1 विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 0। तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, कॉन्स्टेंट फोर्स का। तो थीटा जो है एफ और एक्स के बीच का एंगल है जो कि 0 है। तो यहां से जाएगा 10 × 2, दैट इज 20। वर्क डन बाई F2, इसका वर्क डन जो होगा दैट विल बी 5 × 2 × cos of 100 डिग्री, क्योंकि यहां फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल जो है वो 100 डिग्री है। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 5 × 2 विथ माइनस साइन, बिकॉज कॉस 100 डिग्री विल बी माइनस, तो हो जाएगा -10। वर्क डन बाई F3 का वर्क डन निकालेंगे तो फोर्स दैट इज 20 टू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 2 × cos of 90। कॉस ऑफ 90 जो होता है वो 0 हो जाएगा। तो इसमें आप ये ध्यान रखना है आपको कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन इज पॉजिटिव, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन इज निगेटिव। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन इज 0। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट विच हैज टू बी केप्ट इन माइंड, और शायद आपको पता ही हो पहले से। लेट्स डू नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो दिस इज अ सिंपल सिचुएशन, ये ओरिजिन है, उस एक्स डिस्टेंस पे एक ब्लॉक जब है तो उस पर फोर्स लग रहा है 2x+1। इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये आगे जा रहा है, तो जब ये 10 मीटर आगे चला जाएगा तब इस फोर्स का हमें वर्क डन निकालना है। सिंपल, इस फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज द फोर्स इज वेरिएबल, इट डिपेंड्स ऑन एक्स। जैसे जैसे ब्लॉक आगे जाएगा एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। तो वर्क डन विल बी F⃗ dx⃗। तो यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1 × dx, और dx की लिमिट हम क्या रखेंगे, एक्स की लिमिट। तो ओरिजिन पे जब वो ऑब्जेक्ट था तो एक्स वाज एट 0, और जब ये 10 मीटर आगे चल जाएगा तो एक्स की वैल्यू 10। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन। सो द पॉइंट इज कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। लेट्स लुक एट दिस सिंपल एग्जाम्पल। यहां पे एक इनफाइनाइट शीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है, शीट पे सिग्मा ही दिया जा सकता है, और ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बनाई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
एक पॉजिटिव चार्ज को इस येलो लाइन के लॉन्ग मूव कराया जा रहा है। हमें निकालना है कि जब इसको पाथ वन, पाथ टू, पाथ थ्री और पाथ फोर पे मूव कराया जा रहा है तो वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो हमें निकालना है इस सिचुएशन में। तो व्हाट टू डू, जब उसको पाथ वन पे मूव कराया जा रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो आप देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो राइट की तरफ लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी राइट की तरफ हो रहा है सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन इज पॉजिटिव और वर्क डन की वैल्यू होगी फोर्स दैट विल बी इक्यू इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्स। जब पाथ टू पे मूव कराया जा रहा है चार्ज को तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसलिए वर्क डन जो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दैट विल बी जीरो। जब इसी चार्ज को थर्ड पाथ के लॉन्ग मूव कराया जा रहा है पाथ थ्री के लॉन्ग, तो आप देखें डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स लेफ्ट एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी टुवर्ड्स राइट, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। कितना नेगेटिव? ईक्यू दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्स। जब पाथ फोर के लॉन्ग मूव कराया जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और फोर्स जो है वो राइट की तरफ लगेगा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी जीरो। तो बहुत सिंपल है वर्क निकालना। इसमें आप ये बात नोट करें कि टोटल वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ट्रैवलिंग थ्रू दिस क्लोज्ड पाथ, इस पूरे क्लोज्ड पाथ में पाथ वन, पाथ टू, पाथ थ्री और पाथ फोर, टोटल पूरा जर्नी कंप्लीट करने में वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है टोटल दैट इज सम ऑफ ऑल दीज, सबका सम है जीरो। तो दैट इज द टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करते हैं। इसमें इस पॉजिटिव चार्ज को इस सॉलिड लाइन के लॉन्ग ले जाया जा रहा है, सॉलिड लाइन के लॉन्ग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और एक बार इस डॉटेड पाथ के लॉन्ग ले जाया जा रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। बताना है किस पाथ में वर्क डन ज्यादा होगा। इस पाथ में जो वर्क डन होगा दैट विल बी फोर्स दैट विल बी इक्यू इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्स। डॉटेड पाथ का वर्क डन अगर हम देखें तो ये जो पार्ट है इसमें वर्क डन जीरो होगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। इस पार्ट में वर्क डन जो होगा दैट विल बी इक्यू इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इस पार्ट में जो वर्क डन होगा दैट विल ऑल्सो बी जीरो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स इधर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब इस पाथ में जो वर्क डन है वो इतना है टोटल, और डॉटेड पाथ के लॉन्ग भी जब हम ले जा रहे हैं तब भी टोटल वर्क डन इतना ही है। तो दिस इज अनदर क्वेश्चन। अब इससे दो पॉइंट्स आप नोट करें इन दोनों पार्ट से, वो पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं। पहला पॉइंट ये है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन क्लोज्ड पाथ इज जीरो, इन क्लोज्ड पाथ इक्वल्स टू जीरो। और दूसरा पॉइंट ये है कि वर्क डन जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये वाला जो पॉइंट है वो पहले वाले एग्जांपल से क्लियर होता है। इसमें हमने देखा कि क्लोज्ड पाथ में जब उनको हमने चार्ज को मूव कराया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन जीरो आया, और दूसरे हमने देखा कि हम इस पाथ से ले गए या फिर इस डॉटेड पाथ से ले गए, दोनों में ही जो वर्क डन आया वो सेम आया, मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। हमने इस एग्जाम्पल में ये दोनों पॉइंट्स देखे बट ये दोनों पॉइंट जो है वो हमेशा ही वैलिड होते हैं, जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल में यही पॉइंट को देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल को आप देखें, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, और ये जो ग्रीन लाइन है डॉटेड इसके लॉन्ग हम एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को इस डॉटेड लाइन के लॉन्ग ले जा रहे हैं, इस डॉटेड लाइन के लॉन्ग। ए पॉइंट से मैंने इस चार्ज को ले जाना स्टार्ट किया ग्रीन लाइन के लॉन्ग, और फिर घुमा फिरा के वापस यहीं ले आया, मतलब एक क्लोज पाथ पे मैं इसको ले जा रहा हूं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन क्या होगा इस पूरे पाथ में जब मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इस ग्रीन पाथ पे घुमा रहा हूं, दैट विल बी जीरो।
कहीं पर भी आप अगर देखेंगे जब आप चार्ज को ले जा रहे हैं तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टेंजेंशियल होगा पाथ के, और जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग होगा, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है हर जगह पे ही ऐसा होगा, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट ऐसे और फोर्स इधर की तरफ उसके परपेंडिकुलर, तो हर जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्कडन होगा वो जीरो होगा, तो टोटल वर्कडन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जीरो हो जाएगा। तो वंस अगेन इन दिस एग्जाम्पल वी सी दैट वर्कडन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन क्लोज्ड पाथ इज जीरो। नाउ लेट्स सी दिस केस, ये क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है कि फिर से पॉजिटिव चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाइट बनाई गई हैं, और एक पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जा रहे हैं लॉन्ग ब्लू पाथ के लॉन्ग, उसको ऐसे ले जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्कडन होगा, वर्कडन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो सपोज कर लो कुछ डब्ल्यू वन होगा यहां से यहां ले जाने में, और ये पॉजिटिव होगा, आप सोच पा रहे होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। अब दूसरे केस में हम इस चार्ज को इस ग्रीन पाथ के लॉन्ग ले जा रहे हैं, इनिशियल पॉइंट वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, लेकिन रास्ता थोड़ा अलग है, लंबा है, तो जब हम यहां से यहां तक ले जाएंगे इसको, यहां से यहां तक, तो वर्कडन जीरो होगा, यहां से यहां तक जब हम ले जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि वही वर्कडन होगा जो यहां से यहां के लिए आया था, तो मतलब यहां से यहां तक का वर्कडन भी डब्ल्यू वन आएगा, और यहां से यहां तक का वर्कडन जो आएगा फिर से यहां से यहां तक का वर्कडन जीरो आएगा। तो इस ग्रीन रास्ते में भी जो टोटल वर्कडन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का वो डब्ल्यू वन ही आ रहा है, डब्ल्यू वन प्लस जीरो प्लस जीरो विच इज डब्ल्यू वन। तो वंस अगेन वी सी द सेम पॉइंट कि वर्कडन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इनडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो हम यहां से यहां चार्ज को ले जा रहे हैं ब्लू पाथ से और एक बार ग्रीन पाथ से, दोनों में वर्कडन जो है वो डब्ल्यू वन ही आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमने दो एग्जाम्पल्स देखे, दोनों में हमने दो पॉइंट कंक्लूड किया, तो एक पॉइंट तो ये था कि क्लोज्ड पाथ में वर्कडन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो था, और दूसरा पॉइंट ये था कि वर्कडन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो जिस फोर्स की ये दो प्रॉपर्टीज होती है, जिस फोर्स की ये दो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और भी कंजर्वेटिव फोर्सेस आपने पहले पढ़े हैं मैकेनिक्स में, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स mg, स्प्रिंग फोर्स, ये दोनों फोर्सेस भी कंजर्वेटिव होते हैं जैसा हमने मैकेनिक्स से पढ़ा है। अब एक और फोर्स हमारे लिस्ट में आ गया, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दीज फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। वर्क डन बाय मैन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो लेट्स हैव अ लुक कि ये क्या चीज है। तो आप ऐसा केस इमेजिन करें जिसमें हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है पॉजिटिवली चार्ज, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये एज यूजुअल। अब हमारे पास यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक आदमी इस पॉजिटिव चार्ज को इधर ला रहा है बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स, आदमी इसको इधर ला रहा है बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स। मैन मूव्स चार्ज स्लोली, आदमी इस चार्ज को इधर जब मूव कर रहा है तो स्लोली मूव कर रहा है। स्लोली मूव करने का क्या मतलब है, क्या धीरे धीरे मूव कर रहा है, क्या मतलब है इसका कि जब चार्ज को ले जाया जा रहा है इधर तो इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होगी। इसका मतलब है कि चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो जीरो होगा, उसका एक्सलेशन भी जीरो होगा, क्योंकि अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो ये चार्ज एक्सलेट करने लगेगा और उसके बाद वेलोसिटी आ जाएगी, फिर वो स्लोली मूव नहीं करेगा। मतलब आदमी इस चार्ज को इधर ले जा रहा है स्लोली, मतलब धीरे धीरे ले जा रहा है, इस चार्ज पे नेट फोर्स जीरो। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि आदमी जब इधर ले जा रहा है चार्ज को तो उस पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो इस चार्ज पे एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, दैट विल बी ई इंटू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू होगी इंटू क्यू, वो फोर्स उस पर इधर लग रहा होगा। तो क्योंकि आदमी इसको इधर ले जा रहा है तो आदमी इधर फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स अप्लाइड बाय मैन,
और ये जो फोर्स होगा वो भी EQ के ही बराबर होगा, तभी तो इस पर नेट फोर्स जीरो आएगा और ये स्लोली जाएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो इधर कैसे जा रहे हैं, तो मैं सोच सकते हैं कि ये जो आदमी का फोर्स है वो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा, बट ऑलमोस्ट सेम। सो आदमी इस पे EQ अमाउंट का फोर्स इधर लगा रहा होगा और उसको इधर ले आ रहा होगा। सो इन दैट केस व्हाट इज अ वर्क डन बाय मैन, तो वर्क डन बाय जो मैन है वो इस केस में आ जाएगा पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव, क्योंकि आदमी फोर्स इधर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। प्लीज नोट, हम वर्क डन बाय मैन निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय मैन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन नहीं निकाल रहे हैं। तो मैन का फोर्स देखेंगे जो इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव होगा एंड दैट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लाइक दिस। अब दूसरा केस आप इमेजिन करें, फिर से वैसा ही केस है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब आदमी इस चार्ज को इस डायरेक्शन में ले जा रहा है बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स। अब आदमी कितना फोर्स लगा रहा होगा, फिर से स्लोली ले जा रहा है स्लोली। तो अब आप देखें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी इधर ही लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लो। तो यहां पे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर ही लग रहा है, तो इस चार्ज को इधर ले जाने के लिए आदमी को कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर चार्ज को छोड़ दिया जाएगा तो खुद ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इधर चला जाएगा, लेकिन आदमी को स्लोली इधर ले जाना है। तो अभी तो क्या होगा कि ये फोर्स उसको इधर एक्सेलरेट करेगा और इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो अगर आदमी को स्लोली इधर ले जाना है तो आदमी को अपना फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, फोर्स अप्लाइड बाय मैन, और आदमी को अपना फोर्स ई इंटू क्यू के बराबर लगाना पड़ेगा ताकि इस पर नेट फोर्स जीरो आए और ये स्लोली इधर जाए। तो फिर से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नेट फोर्स जीरो हो गया तो इधर क्यों जा रहा है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये फोर्स जो है वो थोड़ा सा इससे बड़ा है, ये फोर्स थोड़ा सा बड़ा है बट ऑलमोस्ट सेम। तो इस केस में आदमी इधर फोर्स लगाएगा ई इंटू क्यू का और डिस्प्लेसमेंट इधर है। इस केस में वर्क डन बाय मैन कितना आएगा, माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि आदमी का फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन भी नेगेटिव, और उसका मैग्नीट्यूड दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, समथिंग लाइक दिस। तो इसमें पॉइंट जो समझने वाली है वो ये है कि इस केस में वर्क डन मैन का पॉजिटिव आया और एक केस में निगेटिव आया। तो ऐसा होता है कि जब आदमी इस केस में चार्ज को घींच के ले जाता है, आप देखिए इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आदमी घींच के ले जा रहे हैं, तो आदमी अगर चार्ज को घींच के ले जा रहे हैं घींच के, तो आदमी का वर्क डन पॉजिटिव होगा। इस केस में देखिए, इस केस में जो है आदमी रोक रोक के चार्ज को ले जा रहा है, रोक रोक के, क्योंकि आदमी फोर्स तो इधर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर, यानी आदमी रोक रोक के चार्ज को इधर ले जा रहा है। तो जब आदमी रोक रोक के चार्ज को ले जाता है तो आदमी का वर्क डन निगेटिव आता है, निगेटिव। फाइनली इफ मैन पुल्स चार्ज, घींच के ले जाता है आदमी चार्ज को, तो वर्क डन बाय मैन पॉजिटिव। इफ मैन मूव्स चार्ज बाय स्टॉपिंग इट, तो आदमी अगर रोक रोक के ले जा रहा है चार्ज को, तो वर्क डन बाय मैन विल बी निगेटिव। हालांकि ये कोई बहुत साइंटिफिक वे नहीं है बात करने का, बट स्टिल दिस थॉट प्रोसेस विल हेल्प अस इन सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ मच इजियर वे। लेट्स कंसिडर दिस क्वेश्चन, यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है फिक्स्ड, उसकी फील्ड लाइन्स है जैसे व्हाइट में बनाया गया है यहां पे, और आर इक्वल टू 10 पे एक स्मॉल चार्ज क्यू है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड वर्क डन बाय मैन इन ब्रिंगिंग प्लस क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर इक्वल टू 10 स्लोली। मतलब ये है कि एक आदमी इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लेके आ रहा है, तो उस आदमी को इन्फिनिटी से यहां तक चार्ज लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले आदमी का जो वर्कडन है उसका आप साइन देखें कि ये वर्कडन पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, क्या लगता है आपको? दिस वर्कडन विल बी एक्चुअली पॉजिटिव। क्यों? ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको रिपेल कर रहा होगा, तो आदमी को ये चार्ज घींच के लाना पड़ेगा। तो हमने देखा था कि जब आदमी घींच के चार्ज को लाता है तो आदमी का वर्क डन पॉजिटिव होता है, तो ये तो साइन की बात हो गई। अब वर्क डन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम इस सिचुएशन को और थोड़ा डीपली एनालाइज करेंगे। ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो तो फिक्स्ड है ही,
और ये जो प्लस क्यू चार्ज है छोटा वाला, आप सपोज करें कि किसी भी टाइम पे ये डिस्टेंस एक्स पे, मतलब आदमी इस चार्ज को इन्फिनी से लेके आ रहा है और अभी ये चार्ज रस्ते में है और उसका डिस्टेंस एक्स है, थोड़ी देर बाद एक्स क्या होने वाला है, कम। ये चार्ज अभी, चार्ज जो है वो रस्ते में है अभी एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। तो इस टाइम पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा एंड दैट फोर्स विल बी ई इंटू क्यू। कितना आएगा ये फोर्स, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, ये फोर्स आ जाएगा। तो जो आदमी है वो इस पे कितना और किधर फोर्स लगा रहा होगा, तो आदमी इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा और उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू इसके बराबर ही होनी चाहिए। क्यों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि स्लोली ला रहा है ना आदमी यहां पे, तो स्लोली ला रहा है तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए जैसा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अब मुझे आप ये बताएं कि यह जो आदमी का फोर्स है यह कॉन्स्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है, यह एक्चुअली में वेरिएबल फोर्स है। कैसे, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे आदमी इस चार्ज को पास लाएगा एक्स विल चेंज, तो ये फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इस फोर्स के वेरिएबल होने से हमें क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर ये फोर्स वेरिएबल है तो इसका वर्क डन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो वी राइट वर्क डन बाय मैन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय मैन इंटू डीएक्स। तो फोर्स अप्लाइड बाय मैन विल बी के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। और यहां पे x की लिमिट क्या रखेंगे, तो x जो है वो इन्फिनिटी से r तक वेरी कर रहा है। जब आप इसको इंडिकेट करेंगे तो विल गेट माइनस के क्यू क्यू बाई आर, ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, बट आप ध्यान दें यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहां पे ये निगेटिव साइन आ रहा है, निगेटिव साइन वर्कडन का। लेकिन हमने कुछ देर पहले फिजिकली एनालाइज किया कि वर्कडन बाई मैन पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या प्रॉब्लम है यहां पे? ये जो कैलकुलेशन हमने की है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, फर्स्ट लाइन में ही प्रॉब्लम है। ये dx को आप देखें, ये dx क्या है, dx इज चेंज इन x, चेंज इन x। तो जब चार्ज को आदमी इधर ला रहा है तो x तो है वो कम हो रहा है, x कम हो रहा है, यानी कि dx जो होगा वो निगेटिव होगा बिकॉज dx इज चेंज इन x। तो अगर x कम हो रहा है dx हैज टू बी निगेटिव एज एक्स इज डिक्रीजिंग। तो ये डीएक्स निगेटिव है तो यहीं पे ये एक्सप्रेशन निगेटिव था पूरा का पूरा, तो यहीं पे हमें एक माइनस साइन लगाना चाहिए था ऐसे कुछ, तो क्योंकि डीएक्स यहां पे निगेटिव था तो यहां पे एक निगेटिव साइन होगा, तो यहां भी एक निगेटिव आ जाएगा और फाइनली आंसर पॉजिटिव होगा। अब मैथमेटिक्स और फिजिकल एनालिसिस मैच हो रहे हैं, तो दिस इज द राइट आंसर। तो ऐसी डीएक्स वाली प्रॉब्लम कई बार आएगी इस चैप्टर में, आपको ध्यान रखना है उसका। मेरा एडवाइस तो यहां पे ये है कि मैथमेटिकली जब भी आप वर्क डन निकाल रहे हो तो मैथमेटिकली जो आंसर आए उससे सिर्फ आप मैग्नीट्यूड को देखें और जो साइन है वो आप फिजिकली एनालाइज कर लें, तो कभी भी गलती नहीं होगी। तो आप ये डीएक्स पॉजिटिव निगेटिव के प्रॉब्लम में फंसेंगे नहीं कभी, तो आप इंटीग्रेशन से या मैथमेटिक्स से सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें और साइन फिजिकली एनालाइज कर लें, दैट इज अ वेरी गुड वे। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच वी हैव टू रिमेम्बर, ये बहुत काम आएगा। इसमें एक चीज और आप ध्यान दें कि नीचे आर है, आर स्क्वायर नहीं है, दिस इज के क्यू क्यू बाई आर। ये गलती लोग करते हैं, वो गलती इसलिए करते हैं क्योंकि अगर दो चार्ज है हमारे पास क्यू और क्यू, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होता है दैट इज के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां आर स्क्वायर आता है फोर्स के फॉर्मूले में, ये फोर्स नहीं है, वर्कडन का फॉर्मूला है, यहां नीचे आर आएगा। अब आप थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन करें इस पे बेस्ड, इस फॉर्मूले पे। यहां पे फिर वही प्लस क्यू चार्ज है जो फिक्स्ड है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और अब आदमी इस माइनस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहा है। इस केस में आदमी प्लस क्यू चार्ज को लेके आया था इन्फिनिटी से, और यहां पे आदमी माइनस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहा है। अब आदमी का जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ये हमें बताना है, पॉजिटिव या निगेटिव।
सो इट्स वेरी सिंपल, व्हाट डू यू थिंक? तो आदमी का वर्कडन निगेटिव होगा. क्यों? अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो ऑलरेडी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो आदमी जब इसको स्लोली लेके आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहा है, तो आदमी को रोक रोक के लाना पड़ेगा. तो आदमी रोक रोक के लाएगा तो आदमी का वर्कडन निगेटिव आएगा. और ये जो फॉर्मूला है इससे भी आप देखें तो वर्कडन बाई मैन जो है दैट विल बी के क्यू माइनस क्यू अपॉन आर. तो इस फॉर्मूले से भी वर्कडन क्या आ रहा है? निगेटिव. तो ये भी आप ध्यान दें कि इस फॉर्मूले से जो वर्कडन का साइन आता है वो भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट आता है. ये छोटा सा क्वेश्चन देखें, यहां पे एक सॉलिड स्फीयर है और यहां पे हॉलो स्फीयर है, दोनों पे चार्ज क्यू है, दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली. दोनों ही केस में आर डिस्टेंस पे एक चार्ज लाया जा रहा है एक आदमी द्वारा. बेसिकली एक आदमी दोनों ही केस में इस प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आया है स्लोली. आदमी ने इन दोनों ही केस में प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आया है स्लोली. तो हमें आदमी का वर्कडन निकालना है. तो क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा? दोनों ही केस में आदमी का जो वर्कडन आएगा वो आ जाएगा के क्यू क्यू बाई आर. बिल्कुल वही जो पॉइंट चार्ज के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था वही. ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि इन दोनों ही स्ट्रक्चर के कारण बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉइंट चार्ज के जैसी होती है. तो इसलिए इन दोनों के कारण जो वर्क डन होगा वो भी पॉइंट चार्ज के जैसा ही आ जाएगा. दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच वी हैव टू कीप इन माइंड. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो लेट्स सी व्हाट इट इज. तो सबसे पहले हम एनर्जी की बात करते हैं. तो क्वेश्चन इज व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी इज एक्चुअली एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क करने की एबिलिटी को हम एनर्जी बोल सकते हैं. जैसे कोई इंसान अगर बहुत एनर्जेटिक है तो बहुत काम कर सकता है, तो एनर्जी है, तो एबिलिटी है काम करने की. कोई इंसान के पास कोई एनर्जी नहीं है, वो थक गया बिल्कुल, कोई एनर्जी नहीं है, तो वो काम नहीं कर सकता. तो एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क. हालांकि ये एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका नहीं है, बहुत ही हाई फाई तरीका नहीं है एनर्जी को डिफाइन करने का, बट फिर भी क्रूडली हम ऐसा सोच सकते हैं. अब देखो एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है, जैसे काइनेटिक, केमिकल, पोटेंशियल और भी डिफरेंट फॉर्म्स, मैंने यहां तीन ही लिखी है. जैसे तो हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, उसको मैं बोल सकते हैं एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन, चलने के कारण काम करने की एबिलिटी. जैसे आप एक सिचुएशन देखें, ये क्रिकेट मैच चल रहा है, तो ये जो बॉल है इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये चल रही है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो इसके पास एनर्जी है, मतलब एबिलिटी टू डू वर्क है. तो क्या ये काम कर सकती है कोई, ये बॉल कैसे कर सकती है? अब देखो ये जो बॉल है इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, ये ग्राउंड पे टकराएगी और फिर टकरा के जंप करेगी. सपोज करो जंप करके ये इस बैट्समैन के नाक को जाके हिट करती है, तो बैट्समैन की नाक टूटेगी. बैट्समैन की नाक टूटी तो वर्क हुआ ना, किसने किया ये वर्क इस बॉल. तब देखो ये बॉल आई बैट्समैन को के नाक पे टकराती है, उसका नाक टूटता है तो वर्क होता है. तब देखो इस बॉल ने वर्क किया, क्यों वर्क किया? क्योंकि ये मूव कर रही थी, तो अपने मोशन के कारण इसने बैट्समैन का नाक तोड़ के वर्क किया, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी. इनफैक्ट आप देख सकते हो अगर शोएब अख्तर बॉलिंग करने आ जाए, शोएब अख्तर, तो बॉल बहुत स्पीड से आएगी, उसका ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी. अब बैट्समैन से अगर वो बॉल टकराती है तो नाक भी जबरदस्त टूटेगी, तो बॉल के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, इसलिए वो ज्यादा वर्क कर सकता है, इसलिए ज्यादा नाक तोड़ेगा. यू नो, तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी काइनेटिक एनर्जी क्या है. इट्स ऑल्सो एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन. केमिकल एनर्जी, जैसे ये बॉम्ब जो है इसके पास हम बोल सकते हैं केमिकल एनर्जी, तो एनर्जी है एनर्जी, तो ये कोई काम कर सकता है क्या? बिल्कुल. अगर ये बॉम्ब फूटता है तो आसपास की कितनी चीजें टूट जाएंगी, बहुत वर्क होगा, तो ऑब्वियसली इसके पास एनर्जी है. और केमिकल एनर्जी क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉम्ब के अंदर कुछ केमिकल्स होंगे जो रिएक्ट करेंगे, वो केमिकल्स जब रिएक्ट करेंगे तो एक्सप्लोजन होगा और वर्क होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं इसके पास केमिकल एनर्जी. वैसे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा वेग टाइप का होता है. जैसे आप देखो पोटेंशियल वर्ड का मतलब